हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, FSSAI द्वारा असिस्टेंट तथा अन्य कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें फूड एनालिस्ट की पोस्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने वालों को रिटन टेस्ट देना होगा और इंटरव्यू देना होगा। रिटन टेस्ट का वेटेज आपका 85% रहेगा, इंटरव्यू 15% रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको रिटन टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले स्टेज 1, उसके बाद स्टेज 2। और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको 2 एग्जाम देने होंगे, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 देना होगा, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 देना होगा। इनका वेटेज जो है 50-50% का रहेगा मेरिट लिस्ट बनाने में। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका केवल 1 एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। असिस्टेंट के लिए 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका 1 रिटन एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपका शॉर्ट हैंड तथा टाइपिंग टेस्ट होगा। IT असिस्टेंट के लिए CBT होगा आपका, और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के केवल CBT होगा जिसका स्कोर जो है मेरिट लिस्ट में 100% है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर IT और IT असिस्टेंट की बात करें तो ये पेपर आपका 2 पार्ट में होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का समय दिया जाएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पहले पार्ट का जो वेटेज है 25% होगा जिसमें आपसे केवल जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरे पार्ट का वेटेज जो है 75% होगा, इसमें फंक्शनल नॉलेज टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि IT से रिलेटेड। और इसके साथ ही बता दें, अन अकेडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2021-22 और 23 की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये बैच जो है 1 ईयर बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ 2 ईयर बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इस बैच में प्रीलिम्स और मेंस का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और ये बैच जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि UPSC द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम्स प्रीलिम्स की डेट जारी कर दी गई है, आपका 2022 का प्रीलिम्स 5 जून 2022 को होगा। तो अनअकैडमी द्वारा नया प्लान लॉन्च किया गया है जिसमें 7 महीने आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी एकदम स्टार्टिंग से। उसके साथ साथ अगले 2 महीने जो है प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और रिविजन करवाया जाएगा। उसके बाद 5 जून को आपका पेपर होगा और 10 जून से आपका मेंस का रिविजन कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी, और 16 जून को आपका मेंस का एग्जाम है। तो जो लोग UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके साथ ही अगर आप 2 साल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद SR Adda कूपन कोड यूज करें जिससे आपको 10-15 हज़ार तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। ये लोन आपको 0% प्रोसेसिंग फीस पे बिना किसी ब्याज के आपको मिलेगा। 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा। तो आप कम से कम पेपर वर्क में जो है ये लोन ले सकते हैं। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है, और इस लोन में आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा अगर आप SR Adda कूपन कोड यूज करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस में आपसे एनालॉजीज, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट तथा डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन तथा ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल तथा फिगर क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपसे करंट इवेंट तथा बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री तथा कल्चर और जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तथा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। स्पेलिंग एरर, स्पॉट एरर इन सेंटेंस ग्रामर जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन
यूज ऑफ ए एंड दी और idiom phrases से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट आपका फंक्शनल नॉलेज टेस्ट का होगा, जिसमें फूड सेफ्टी को सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे इंडियन तथा इंटरनेशनल फूड लॉ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और FSSAI रोल फंक्शन तथा इनिशिएटिव से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, जिसमें आपसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर साइंस तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर तथा एल्गोरिदम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट तथा जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के सिलेबस की। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट दिया जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और FSSAI के बारे में पूछा जाएगा, इसके रोल, इसका फंक्शन, इसके इनिशिएटिव, इन सब के बारे में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर डिटेल में सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस में आपसे सेमेंटिक एनोलॉजी, सिम्बोलिक ऑपरेशन तथा सिम्बोलिक एनोलॉजी और नंबर एनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, ट्रेंड्स तथा फिगरल एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन तथा सेमेंटिक क्लासिफिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम, सिम्बोलिक क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेरेंस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच होल्ड, पैटर्न फोल्डिंग तथा अनफोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न जिसमें फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग तथा इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग तथा अन्य टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल, इसके अलावा अर्थमेटिकल ऑपरेशन जिसमें परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज और इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे सिंपल और कंपाउंड दोनों इंटरेस्ट पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेसेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक, synonyms, homonyms, antonyms, spellings तथा detecting misspelled words, idiom and phrase, one word substitution तथा improvement of sentence और active passive voice से question पूछे जाएंगे, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentence in passages, close passages, comprehension passages से question पूछे जाएंगे, general awareness में आपसे current events से related question पूछे जाएंगे, current affair के बारे में पूछा जाएगा, history और culture से question पूछे जाएंगे, geography, economics in general policy और scientific रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो इसमें आपसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक कमांड्स, गूगल डॉक, ईमेल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सोशल मीडिया हैंडल जैसे व्हाट्सएप, FB, ट्विटर, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा FSSAI के बारे में पूछा जाएगा, इसका रोल, इसके फंक्शन और इनके इनिशिएटिव। अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के, तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मिनट का समय दिया जाए। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको इंग्लिश को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि 50% आपके इंग्लिश से पूछा जाएगा और इसमें स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट भी होगा। इसी तरह आप ये PDF डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। यहाँ पर सारे सिलेबस डिटेल में दिए गए हैं और इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।